हम लोग आज जो है डीएम कार्यालय पे ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन इस संदर्भ में कि जो दिल्ली की सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, उसने इस लॉकडाउन के बहाने जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सीए विरोधी ये लंबे समय से, चाहे शाहीनबाग के आंदोलन हो, चाहे जामिया के आंदोलन हो, ये चाहे एएमयू के आंदोलन हो, सभी आंदोलन के जो कार्यकर्ता जो लीडरशिप रहे हैं, चाहे वो नताशा, चाहे वो देवांगना, उन सभी कार्यकर्ताओं को लॉकडाउन के बहाने जेल में डाल दिया गया। यूपीए जैसे खतरनाक कानून उन पर थोपे गए। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो देश के मजदूर हैं, किसान हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, जो अप्रवासी मजदूर हैं, उन पर ध्यान दे। कोरोना वायरस जैसी महामारी पर ध्यान दे, उन पर जो स्वास्थ्य है वहाँ पर ध्यान दे। ऐसा इस चीज़ पर ध्यान ना दे कि जो देश में जो मेहनत करने वाले लोग हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सीए विरोधी या एनपीआर एनआरसी विरोधी जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको उनका दमन किया जाए या किसी भी रूप में लोकतांत्रिक या संवैधानिक ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। दोस्त, हमारी ये मांग है, चाहे अभी अब तक जो भी गिरफ्तार कार्यकर्ता रहे हैं, अब तक चाहे वो बरवर राव हो, चाहे नताशा हो, चाहे देवांगना हो, चाहे सफूरा हो, सबको तत्काल रिहा किया जाए, बिना शर्त पर रिहा किया जाए। उन पर जो यूपीए कानून थोपा गया है उस पर वापस लिया जाए, हमारी ये मांग है। ये राष्ट्रपति डीएम के माध्यम से जो है हम लोग राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं। फिलहाल यही कहना चाहूँगी कि अभी जितनी भी गिरफ्तारियाँ की गई हैं, जितनी भी सारी लड़कियाँ हैं, जैसे कि देवांगना है, नताशा है, सफूरा है, उन सारे कहते हैं साथियों को रिहा किया जाए जल्द ही जल्द। मैं सिर्फ इतना ही, परिवर्तनकामी छात्र संगठन, आप देखिए देश में चल क्या रहा है। देश का प्रधानमंत्री चुपके से, चोरी से, देश में जहाँ लोग इस लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, जुल्म झेल रहे हैं, भूखे प्यासे लोग मर रहे हैं, सरकार तो जो है वहाँ ध्यान तो नहीं दे रही है, बल्कि उसकी जितनी इंटेलिजेंस, उसका पुलिस प्रशासन, जितनी भी जो लोग हैं, ये संस्थाएं हैं, जो वो गैर जनवादी तरीके से देश के विभिन्न हिस्सों में जो किसानों की उजड़े किसानों का समर्थन कर रहे हैं, जो एनपीआर, जो एनसी, जो एनआरसी के आंदोलन है उसमें जो लोग लगे रहे हैं, उनको फर्जी तरीके से, यूपीए के तरीके से आप लोगों को घरों से उठा ले रहे हैं, फर्जी तरीके से लोगों को अपने जेल में ठूस रहा है। ये बेहयाई सरकार की आप देखिए कर क्या रही है। लोग मर रहे हैं सड़कों पर, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। उसकी जो उसने बड़ी राहत सामग्रियां बांटी, उसकी कलई खुल गई सामने हिंदुस्तान के अंदर। तो ये जो पूरे हिंदुस्तान में जो तंजीमें हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज़ें उठ रही हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर से। ये दमन, मतलब आप देखिए जो आज़ाद भारत में जो गुलामी के जो पूरे कानून हैं, आज काले कानून, यूपीए जैसे लोग, बताइए लोगों को आप देशद्रोही में, गद्दारी में आप उनको घोषित कर दे रहे हैं। क्या उनको गुनाह क्या है जो एनपीआर एनआर जो कानून है, या जो मजदूर हैं अभी जो पूरा चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, उसका समर्थन अगर लोग कर रहे हैं तो देशद्रोही साबित कर दे रही है सरकार। उजड़े हुए किसान गुजरात में देखिए पूंजीपतियों के लिए कैसे 14 गांव उजाड़ दिए गए हैं। अगर हम वहाँ जा रहे हैं, अगर उनके साथ खड़े हो रहे हैं, तो सरकार देशद्रोही घोषित कर दे रही है। ये है क्या, हो क्या रहा है। तो आज जो है ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को लोगों ने ज्ञापन दिया है। क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन है, इंकलाबी मजदूर केंद्र है, परिवर्तनकामी छात्र संगठन, ऐसे तमाम लोग आज यहाँ पर आए हैं। आप लोगों ने सहयोग किया, बीटीवी वालों ने पहले भी आते रहे हैं बंसी नगला में, उनका शुक्रिया हम लोग करते हैं।